जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई कि इस गौशाला में कुछ पशुओं में मृत्यु चल रही है, हम लोग अपनी टीम के साथ में यहाँ पे आए। हमने पशुओं के सबसे पहले हमने उनके पशुओं के आवास व्यवस्था और भोजन व्यवस्था पे सबसे पहले ध्यान दिया। तो जहाँ तक हम देखते हैं कि इनकी आवास व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि प्रति पशु जो हमारी गवर्नमेंट की मतलब रिकमेंडेड एक पशुशाला के निर्माण के लिए है कि उसके पास में कम से कम भी 40 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ के बाड़ों की स्थिति देखते हैं तो इनके पास 130 स्क्वायर फीट का एरिया है। इट मीन्स पशु कोई टाइट नहीं है, कंजेस्टेड नहीं है, वो आराम से घूम फिर सकते हैं, उनको टाइटनेस फील नहीं हो रही है। चारा का जब हमने क्वालिटी चेक की तो चारा बहुत अच्छी क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का पाया गया, जिसमें हमें मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं पाई गई है, और सूंघने पे भी हमें महसूस हुआ कि चारे में से उसकी जो नेचुरल खुशबू है वही आ रही है हमारे पास में, और हरा चारा और बाटा भी उनको अच्छे उत्तम क्वालिटी का बाटा दिया जा रहा है। फिर रहा पशुओं के लक्षण क्या हैं, हमने लक्षणों की जाँच की, फिर उनके कुछ खून के और गोबर के और दूसरे जो नमूने लिए हैं हमने, जिसकी जांच तो हमारे द्वारा लैब में जाने पे ही हो पाएगी यहाँ, ये क्योंकि ये सुविधा फील्ड में नहीं होती है, लैब में ही कर पाएंगे हमारे द्वारा। फिर जो मृत पशु थे, आज 3 पशुओं का हमारे सामने जो हमने सारे बाड़ों में घूम के देखा, सारे जितने शेड थे उनमें 3 पशु मृत पाए गए। उनमें का हमने जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में पाया कि उनके अंदर भयंकर रूप से निमोनिया बना हुआ है। निमोनिया के कारण क्या थे, क्योंकि मैं इस ज़िले में स्थापित नहीं हूं, तो जब मैंने अपनी टीम से यहां की पशुपालन की टीम से विचार विमर्श किया, गौशाला प्रबंधकों से विचार विमर्श किया, तो ये मेरे ध्यान में आया कि आज से 10-12 दिन पहले या 15 दिन पहले यहाँ पर भयंकर रूप से ओलावृष्टि और बरसात हुई थी, उसकी वजह से जो है जानवरों जो भीग गए थे, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ये जानवर भी अभी यहाँ पे शिफ्ट होने शुरू हुए हैं, ना कि पुराने हैं ये, तो हो सकता है कि ये पशु जो कमज़ोर थे, बाहर सड़क पे थे, उन बारिश में उनको कोई शेल्टर नहीं मिला तो वो भीगते रहे, तो धीरे धीरे उनके अंदर निमोनिया के लक्षण डेवलप होने शुरू हो गए। अब निमोनिया का इलाज तो एंटीबायोटिक तो चल ही रहा था, यहाँ की टीम बहुत बढ़िया काम कर रही थी, हमारे स्टाफ जो हैं डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छा से सुचारू रूप से उनका इलाज कर रहे थे बीमार पशुओं का, लेकिन हर निमोनिया के लिए, हर बीमारी के लिए हर एंटीबायोटिक काम आए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अब हमारे द्वारा जो उनके सैंपल्स लिए गए हैं, कुछ हमारे द्वारा उनके बैक्टीरियल कल्चर और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हमारे द्वारा किया जाएगा, उसमें जो बेस्ट एंटीबायोटिक इनके लिए निकल के आएगा टेस्ट में, उसकी थेरेपी हम जो भी 2-3 दिन का समय लगेगा उसके अंदर हम शुरू करवा सर जो हो हल्ला हो रहा है भूख से मौत ऐसा दिखा गया कुछ? देखिए अगर हम आज की स्थिति को ध्यान देते हैं तो यहाँ पे हमें कोई चारे की कमी नहीं मिली। दूसरा जो ताकतवर पशु है वो कमज़ोर पशु को दबा के खुद खा रहा है और कमज़ोर कमज़ोर रह रहा है, ऐसी भी स्थिति हमें नहीं मिली, क्योंकि चारे को पूरी तरह से बिखेर के ऐसी तरह से फैलाया जाता है कि हर पशु उस तक पहुंच पाए और वो अपना भरपेट चारा खा पाए, तो ऐसी स्थिति है हमको कहीं पे भी नहीं मिली है कि भूख की वजह से या चारे की कमी की वजह से उनका कोई मतलब उनके ध्यान रखने में देखभाल करने में चारे की कमी कहीं महसूस हमें।